Hi, मैं हूँ गीता कपूर. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. आपके पिछले हफ्ते के स्कोर थे 24 और ये बोनस 5 मिलकर आपका टोटल होता है 29 और अंजलि आप अभी भी 30 पर ही है लेकिन कोई बात नहीं अभी भी लीड पर हो. चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए. मुझे थोड़ी बात करनी है इस लड़के से तो आप बैठिए तब तक मैं इस बंदे से बात कर लेता हूँ. जिस तरह से आपने कहा कि अनिकेत इज बैक, ही इज रियली बैक. जहाँ हम 5 बार प्रैक्टिस करते थे उनके साथ अब वो हमें 10-10 बार करा रहे हैं, 20-20 बार करा रहे हैं और वो भी आराम से बैठ के. तो थोड़ा सा ये मतलब देखा नहीं जा रहा था, थोड़ी उनका आराम भंग करा जाए तो उसके लिए मैंने थोड़ी व्यवस्था की है. अरे भावना दी, वैभव सर क्या हुआ? एक बात करनी है आपसे. मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं. चलो ठीक है, हॉल में. हाँ हॉल में. मैम मुझे कुछ कहना है अगर आप परमिट करते हो तो. बोलना बच्चा. अच्छा भैया चल. मैम ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है. मतलब इस वीक शायद हम परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 2 एक्ट करने हैं, इनके एक्ट अच्छे होने चाहिए. पानी का जब हुआ मैंने इसको बोला भी मेरा तबियत ठीक नहीं है. Correct. मत कर मत कर मत कर. बहुत सारे शो में देखा है कि कंडीशन के साथ होता है, मजाक करते हैं लेकिन ये सही नहीं लगा कि कोरियोग्राफर्स के साथ भी आप लोग ऐसे करोगे. अभी भी हंस रहा है, तुझे समझ नहीं रहा है. हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे. सॉरी सर. सॉरी सिर्फ इनको नहीं, आई थिंक ऑल द कोरियोग्राफर्स डिजर्व एन अपॉलॉजी. आप अपने बीच में आपस में आपके जो भी महफिल होते हैं, आप कंबल कुटाई करते हैं, आपको मज़ा आता है, इट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन आपके गुरु हैं ये. अनिकेत आई एम सॉरी, वी जस्ट पुलिंग योर लेग. वी लव यू यार, थैंक यू फॉर दिस प्राइज. मजा आ गया, मजा मजा आ गया. अच्छा लगा तेरे को जब हम प्रैंक करते हैं तेरे साथ? कैसा लगता है अनिकेत? समझ नहीं आ रहा था, बहुत सीरियस हो गया था. छाती के अंदर डालो. हाँ थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच विवेक फॉर दिस अमेजिंग प्रैंक. जोरदार तालियां हो जाए. आईबीडी से मुझे बहुत कुछ मिला है पर सबसे जो प्रेशियस है मेरे लिए वो शिवांशु. मेरा भाई नहीं है और मुझे एक छोटा भाई मिला है. मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा एक भाई हो.
शिवांशु सबका लाडला है यहाँ पर भी, और अपने घर पे अपनी बहनों का और रक्षाबंधन आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे था कि रक्षाबंधन आ रहा है, मैं अपनी बहनों को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा दीदी, तो मैं अपने छोटे से भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है मेरे लिए, तो मैं उसको ये देना चाहती हूँ प्लीज़। मैं तो इसकी बहन हूँ ही, लेकिन जो दीदी है शिवांशु की, मैं चाहती हूँ कि हम इस स्पेशल मोमेंट में वो हमारे साथ हो, तो हम उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं प्लीज। नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे लग रहा है शिवांशु को इतने टाइम के बाद देख रही हैं आप, कैसे लग रहा है? हम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम उसे, बिकॉज ऑब्वियसली राखी आ रही है, और राखी हम पांचों ही बाहर रहते हैं, अलग अलग सिटीज में दूर दूर रहते हैं। राखी एक ऐसा फेस्टिवल है कि मतलब हम इसमें मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और सबको पता है हमारा लाड साहब है, हमारा सबसे चहेता है हम पांचों का, हमारे घर का, तो फरमाइशें भी इनकी बहुत ही ज्यादा होती हैं। मेरे को ये मिठाई चाहिए, मुझे ये खाना है, ये वो, बहुत डिमांडिंग है। तो सुबह से हम लोग का ऐसे ही होता है कि पहले मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर राखी बांधेंगे, फिर उसके बाद फिर शिवांशु की और सबकी फेवरेट डिशेस बनती हैं, और उसके बाद सबसे फेवरेट मोमेंट जो लड़ाई होती है हमारी गिफ्ट्स के लिए राखी बांधने के बाद। मेरा फेवरेट पार्ट शिवांशु के साथ ये रहा है कि इसी इसके बहाने मुझे भी गुलाब जामुन वगैरह मिल जाता था, क्योंकि ये मेक श्योर करता है इसकी फेवरेट मिठाई होनी चाहिए राखी में, तो 5-6 मिठाइयां ऐसे ही आ जाती थी। सो लवली। अंकिता दीदी और निकी दीदी ने शिवांशु के लिए राखी भेजी है। ओह। और मैंने भी शिवांशु के लिए राखी लाया है, तो मैं वो तीनों राखी शिवांशु को बांधना चाहती हूँ। धागों से बांधा एहसास। आज पहली बार राखी बांध रही हूँ, और शिवांशु से प्रॉमिस कर रही हूँ कि हर साल उसको मैं राखी बांधूंगी। क्या बात है। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच हंसवी, और मैं चाहती हूँ हंसवी कि जो भी हो इस शो में, ये जो आपका रिश्ता है जन्म भर निभाते रहो, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, एक तरह के आवारा थे और तरह की दीवानगी, सजदे बिछावा वे गली गली, ओ गली गली, ओ गली गली, जिस शहर च मेरा यार वसदा कमाना पैंदा है, ओ खटके, ओ खटके, ओ इथे रब ना कोई उधार लभदा। Thank you.
ना हो पाएगा। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, दूर जा अपना लक्ष्य में, परवाह देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा। हाथ से ताली साला आईला उफमा आई गपोरी आले आले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.